लास्ट हमने बाइनरी कन्वर्जन में पढ़ा था कि हम लोग बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल वैल्यू से बाइनरी वैल्यू में किस प्रकार से चेंज करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है इसमें वो है बाइनरी से ऑक्टल का, और नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल से बाइनरी का। अब इसमें सिंपल चीज़ होती है, जैसे हम जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक एडिशन करते हैं, इसके अंदर भी हम एडिशन ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम कुछ डिफरेंट तरीके से इसको ऑक्टल की फॉर्म में व्यक्त करेंगे। पहले पार्ट में हमने इस टाइप से भी पढ़ा था कि पहचान कैसे होती है, कि ऑक्टल नंबर को कैसे पहचाना जाता है और बाइनरी फॉर्म को कैसे पहचाना जाता है। अब जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है बाइनरी टू ऑक्टल, समझ में आ रहा है, लेकिन कभी किसी सवाल में बाई द चांस नहीं लिखा हो तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, तो हम लोग देखेंगे इस नंबर की बेस वैल्यूज को। अब हमारी बेस वैल्यू पहली क्या कहती है कि बेस टू से बेस एट में जाना है, इट मींस कि हमको बाइनरी से ऑक्टल की फॉर्म में कन्वर्ट होना है। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। अब एक बात का इसमें रूल एक होता है कि जब हम ऑक्टल की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो पेयर बनाए जाते हैं, और तीन नंबर का एक पेयर बनता है। फिर से चीज पर ध्यान दीजिए कि तीन नंबर का एक पेयर बनता है, इसलिए हम इसमें जो कैलकुलेशन होता है 1, 2, 4 यही हमारे तीन नंबर होंगे, तो इनका जो टोटल ऑफ होता है वो होता है 7। तो ऑक्टल में ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पेयर तभी बन पाएगा जब उन तीनों का, उस पेयर का, उन तीन नंबर का टोटल 7 होगा। 7 से एक्सीड करेगा, ज्यादा होगा तो वो ऑक्टल की फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेके हम इसको ट्राई करते हैं। आप देखिएगा इसको कि पेयर जो बनाने हैं हमें हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ हमको बनाने हैं, जैसे कि फर्स्ट मेरा ये पेयर हुआ और सेकंड मेरा पेयर ये हो गया। अब मैं इसको दो ही तरीके से लिख लेता हूं, एक ये 101 हो गया और एक ये 110 हो गया। अब इस कंडीशन को मैं फॉलो करूंगा 1, 2, 4 को, तो 4 और 1, 5। सेम चीज इसको करूंगा 1, 2, 4, तो 4 + 2, 6। इसका टोटल बन गया 65। इजी है। इसी प्रकार से आप एक एग्जांपल और लेते हैं आपके आगे कोई। अब इसके अंदर तो पूरे पेयर बन रहे थे, तीन का ये बन रहा था। अब बाय चांस हमारे पास कोई सवाल इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही पेयर चीज तो वही बनेगी, पेयर तो हम वही बनाएंगे, सेम बनाएंगे। इसलिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे इसको राइट साइड से, तो ये 101 और पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर हमारा बना 11। अब अपने आसानी के लिए हम इस प्लेस पे एक जीरो एज्यूम करेंगे। मैथमेटिक्स में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, लाइक लेट द वैल्यू बी एक्स। इसी टाइप से अब हम इसमें करेंगे, एज्यूम कर लिया जीरो, क्यों, हमने पहले भी पढ़ा है कि जीरो की वैल्यू को कुछ नहीं माना जाता, इसीलिए हम यहाँ पे अब इसको ऐड करते हैं 1, 2, 4, 1, 2, 4, तो ये हो गया 4 + 1, 5, ये हो गया 2 + 1, 3, इट इज 35। आप मेरे 5 में थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप लोग, तो ये है 35। आसान है, आप इस चीज को दोबारा खुद समझिएगा एक बार इस बेस पे कि हमेशा जब भी हम छोटे से बाइनरी से ऑक्टल की तरफ जाएंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो हम एडिशन करेंगे बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है। जब भी हम बाइनरी से ऑक्टल की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक एडिशन करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक को बड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा
बेस 8। फर्स्ट स्टेप किसी इसमें कि बी रेडी फॉर योर प्रिपेयर्स पेयर्स, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, इसका इधर बना देते हैं और इधर एक हम जीरो एज्यूम कर लेंगे जब हम लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं हम पहले 1 1 0, सेकंड पेयर मेरा 1 1 0, थर्ड पेयर मेरा 1 1 0 और फोर्थ पेयर 1 1 और 0। कोइंसिडेंटली सेम चीज लग रही है ये, अगर कोई नहीं समझने के लिए हमें एक चीज करनी है, बस नॉर्मल लेऊंगा मैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब आप देखिए 2 1 3 3 3 3, ये बन गया मेरा 3333। इजी है, कुछ वो नहीं है इसके अंदर। अब हमारी नेक्स्ट फॉर्म आती है ऑक्टल टू बाइनरी, मींस अब हमको बेस 8 से बेस 2 में जाना है। तो जैसे कि एक सवाल लिखा हुआ है मेरा 655, इसको जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो 655, ठीक है। अब हमने यहां पे देखा था कि बाइनरी को हम पेयर में बनाते हैं, अब हम इसका भी पेयर करेंगे 1 2 4। अब आप बताएंगे कि 5 को कैसे बना सकते हैं, 4 पे 1 और एक 1 पे 1 और यहां पे 0, तो इसका बन गया 1 0 1, सेम चीज के साथ होगी क्योंकि वे भी 5 है। अब हम बात करेंगे 6 की, तो 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 4 पे 1, 2 पे 1 और यहां पे 0, इट इज 1 1 0। अब इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0, सॉरी, ये लास्ट वाला एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा सा, ठीक है 1 1 0 1 0 1 1 0 1, ये हो गया हमारा 655 इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फ्रॉम ऑक्टल पोजीशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है इस प्रकार से लाइक 467 बेस 8 अप टू, हमको बाइनरी फॉर्म लेके जानी है इसकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सेपरेटली 467 को दो जगह लिख देंगे और एक नंबर लिख देंगे 124, जिसमें हमको इसको ऑब्वियसली बात है इसको चेंज करना है। सबसे पहले मेरा 7 का मतलब हो गया 1 1 1, 4 + 2 6 + 1 7, तो ये हो गया 1 1 1। नेक्स्ट है मेरा 6, तो 6 होता है 1 1 0 1 1 0। फिर है मेरा 4 को लिख सकता हूं 1 0 0 1 0 0, माय आंसर इज 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ऐसे हम लिख सकते हैं 467 को इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसका एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग ताकि आप इजीली समझ सकें इसको एक बार और, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको जवाब मिलेगा उसका। अगर कोई कहीं भी कोई इश्यू हो या कोई सजेशन हो आपका, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे बाइनरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको सेपरेटली लिखना, उसके बाद एक 1 2 4 एक नंबर को टाइप कर लेना। 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 + 1 5,
तो 101 फोर को कैसे लिख सकता हूं मैं 100 और सेवन को कैसे लिख सकता हूं 111 इजी है 111 100 101 इन तीनों को फिर मैंने कंबाइन करके इधर लिख दिया। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम देखेंगे पार्ट थ्री में हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल, ये हमारा पार्ट थ्री होगा। तो आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेके आए। थैंक यू।